आज का वीडियो भारत के ताकत के बारे में, एक ऐसे हथियार के बारे में जिसे हर एक को जान लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय शिवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर मचा भूचाल। इसे खरीदने के लिए पागल हुई पूरी दुनिया। भारत ने रख दी मुंह मांगी कीमत। इसके बावजूद दुनिया के 26 देश लाइन में लगे हैं, भारत को कोई भी कीमत देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शिवास्त्र ने इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचाया हुआ है और इसे देखते ही दुनिया के 26 देश इसे खरीदने के लिए पागल हो चुके हैं। हालत तो यह है कि भारतीय शिवास्त्र ने रूस और अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। जो देश इनसे हथियारों की खरीदारी किया करते थे, अब वही देश इन्हें लात मारते हुए भारतीय हथियार पर टूट पड़े हैं। यानी कि एक तरफ जहां भारत को अपने शिवास्त्र की मुंह मांगी कीमत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसने रूस, अमेरिका और चीन के हथियारों का सफाया कर दिया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिन देशों की भारत से नहीं बन रही है, यानी कि उनके भारत के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, वे भारत के इस मायावी हथियार को खरीदने के लिए उन देशों से संपर्क साध रहे हैं जिनके भारत से रिश्ते ठीक चल रहे हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि वह देश सबसे पहले इस हथियार को भारत से खरीद ले और उसके बाद इसे इन्हें डिलीवर कर दे। यानी कि वे साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाते हुए किसी भी कीमत पर भारतीय शिवास्त्र को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत के इस हथियार की असल ताकत पता चल चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का यह शिवास्त्र आखिर है क्या? इसके पास ऐसी कौन सी मायावी ताकत मौजूद है कि आज 26 देश इसे खरीदने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? तो भारत के इस मायावी हथियार के बारे में जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन भारत ने कैसे चीन, अमेरिका और रूस के हथियारों की बेड़ बजा दी है, इसके लिए वीडियो को फटाफट लाइक करके कमेंट बॉक्स में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे भारतीय वैज्ञानिकों को ऐसी मोटिवेशन हासिल होगी कि वे इससे भी खतरनाक हथियारों को डेवलप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के जिस शिवास्त्र की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक से पागल कर दिया है। आज की स्थिति में दुनिया के 26 देश इसे खरीदने के लिए भारत के आगे लाइन में खड़े हैं और कोई भी कीमत देने को तैयार है। दोस्तों, भारतीय शिवास्त्र की ताकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भारत का यह हथियार इंटरनेशनल लेवल पर इतना वायरल कैसे हो गया था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत में अपना यह मायावी हथियार सबसे पहले आर्मेनिया को दिया गया था, और आर्मेनिया को जैसे ही ये हथियार प्राप्त हुआ, उसके सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान की सेना में भूचाल आ गया। उसके एक एक हथियार भारतीय शिवास्त्र के आगे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, और वो तमाम तरह के जुगाड़ करके इस हथियार की काट ढूंढने में लगा हुआ है। यानी कि भारतीय शिवास्त्र ने अजरबैजान के हथियारों को उसकी नानी याद दिला दी है, और यहीं से भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लगा। आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए भारत पर टूट पड़े हैं। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के इस हथियार ने अब रूस और अमेरिका के हथियारों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के युद्ध के मैदान में पहुंचते ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और वह पागल हो गया है। इस हथियार की काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पास भी इस हथियार का कोई तोड़ मौजूद नहीं है, जिस वजह से वे अजरबैजान की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। चारों देश भारतीय हथियार के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से कई अन्य देश भी भारत से इस हथियार की डील करना चाहते हैं। भारत आगे भी आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। यह सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से भी लैस है। तो चलिए जानते हैं इस हथियार की मायावी ताकत के बारे में। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं, और उसके साथ लोडर वाहन भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इसकी असली ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। पिनाका का लॉन्चर केवल 64 सेकंड में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी कि हर 4 सेकंड में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़ती है। पिनाका MBRL सिस्टम को टाटरा वाहन पर 12 रॉकेट ट्यूब के जरिए दागा जाता है। इसकी स्पीड 5750 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पिनाका एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है।
इस पर हाई एक्सप्लोसिव सेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च वाहन के साथ ही लॉडर सिस्टम, रडार, लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका सिस्टम अत्याधुनिक नेविगेशन, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है। भारतीय सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पिनाका सटीक निशाना लगाता है और टेलीमेट्री रडार के जरिए निशाने को ट्रैक करने में सक्षम है, यानी कि पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस है। पिनाका यानी कि यह रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी खोजने में सक्षम होता है। पिनाका एक बार अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा तो फिर उसका नामो निशान मिटाकर ही रहता है। भारत में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल यानी कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यह सोल्जर टू सोल्जर फाइट में गेम चेंजर साबित होता है क्योंकि यह 64 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा पर भी पिनाका का शिव के धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है। एडवांस तकनीक से लैस यह लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता। 5750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है और हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बसाने की क्षमता होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। यह 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। पिनाका मार्क 1 की मार्क क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है, वहीं पिनाका मार्क 2 वेरिएंट की मार्क क्षमता 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसके सबसे एडवांस वर्जन पिनाका मार्क 3 की, तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट है जो पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब दे सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया को सप्लाई होने के बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और आज दुनिया के 26 देश इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी भारत से इस हथियार की मांग करे, क्योंकि उसका जो हिमर्स सिस्टम है वह पिनाका के एडवांस वर्जन के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका भारत से पिनाका की मांग करे तो क्या भारत को अपना यह सिस्टम अमेरिका को देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और भारत की ताकत से आप परिचित हो गए हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।